नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 7 दिन आपके 7 जन्म के बराबर होंगे। जी दोस्तों, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको हर एक बात समझ में आएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जन्मकाल से बुराई का अंत होने वाले हैं। अब आपके जन्मकाल में खुशियों की बाढ़ आने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत दिन हो गए जब आप अपने कष्ट को लेकर चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अब आपके कष्ट का बांध टूटने वाले हैं और जीवनकाल में खुशियों का फूल खिलने वाले हैं। जी दोस्तों, और यह सप्ताह जो ग्रहों की स्थिति लेकर आई है दोस्तों, साक्षात दर्शा रही है कि आपके भाग्योदय का समय होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यह सप्ताह के पूरे दिनों में जो चंद्रमा की गोचर होंगी दोस्तों, आपके लाभ भाव में ही होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जो सूर्य की स्थिति है वो तो आपके लिए पहले से ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि दोस्तों जो शनि की प्रभाव है, जो शनि की दृष्टि है, बहुत ही शुभ है आपके लिए। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि गुरु और शुक्र की जो स्थिति होगी इस सप्ताह में, आपके लाभ भाव के साथ साथ आपके स्वास्थ्य और आपके शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, ऐसे में 3 ग्रहों के मिलनसार से यश में राजयोग का भी निर्माण होगा, जो कि दोस्तों आपके पूरे जीवन को एक झटके में बदल सकता है। बशर्ते दोस्तों यश में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, और इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा। इनमें हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि यह सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं। साथ दोस्तों यश में आपको कौन कौन से लाभ के नए मौके खुलने वाले हैं। साथ ही भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद यश में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी बहुत ही गंभीर तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, जो कि दोस्तों आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ है। दोस्तों, इन्हें अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के सच्चे परम भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव लिख दें। माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव आपके जन्मकाल के सारे कष्टों को क्षण में हर लेंगे। जय दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जो चाल है, जो चलन है दोस्तों, लोगों से बहुत ही अलग है। आप कभी भी किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो भी जन्मकाल में कार्य करना चाहते हैं दोस्तों, खुद के दम पर करना चाहते हैं, और ये आपकी खूबी सबसे अलग आपको बनाती है। और जन्मकाल में आपकी जो सफलता होती है सबसे अलग होती है और सबसे ऊंची ही होती है। जी दोस्तों, बशर्ते दोस्तों कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं आपके जन्मकाल में, कुछ ऐसी गड़बड़ी आपके जन्मकाल में हो जाते हैं जिनके कारण दोस्तों आप कभी कभी बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं। आपके जन्मकाल में आपको असफलता ही हाथ लगती है और बहुत सारे नुकसानों का आपको सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी होता है, और शायद दोस्तों कुछ ऐसी असावधानी होती है, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि दोस्तों आपको इन सभी जालों में फंसा देते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी के लिए इसमें आपको शत्रु से सावधान रहना होगा। दोस्तों, मुंह मीठा बोलने वाले व्यक्ति से इसमें आपको बचना होगा, कि दोस्तों अक्सर पिछले समय से ही आपके जन्मकाल में ऐसा व्यक्ति चल रहा है जो कि आपके सामने बहुत ही अच्छे बात करते हैं, सामने भाईचारे वाले बात करते हैं, सामने बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन दोस्तों जब कार्य की बारी आती है, जब आपको उनकी सहायता की बारी आती है, तो दोस्तों वे दुम दबा कर भाग जाते हैं। दोस्तों, एक प्रकार से कहें ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पास फायदा ही लेने के लिए आते हैं। जी दोस्तों, जब इनका काम निकल जाता है तो दोस्तों ये आपको अपनी औकात दिखा देते हैं, और दोस्तों ये यही चाहते हैं कि कब आप गड्ढे में गिर जाएं, और दोस्तों ये ऊपर रहकर आपके गिरने पर हंसे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय आपके जन्मकाल में ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई है जो कि दोस्तों अभी के समय में आपको उनके वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, बहुत सारे आपको कष्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को अब यही बताना चाहेंगे कि जन्मकाल में कभी भी किसी के ऊपर निस्वार्थ भाव से विश्वास ना करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौर में, आज के युग में, जो भी इंसान किसी के ऊपर निस्वार्थ भाव से विश्वास करता है दोस्तों, अक्सर लोग उन्हीं के ऊपर धोखे देते हैं, उन्हीं को दोस्तों अपने मुंह का निवाला बना लेते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले कई समय से लोगों की मदद करते आ रहे हैं, कभी भी किसी के प्रति आपके दिल में छल की भावना नहीं रही है। दोस्तों, इतना मदद करने के बाद, इतने अच्छे दिल और इतनी सद्बुद्धि रखने के बाद भी लोग आपको इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल ही ना समझ हैं,
लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कर्म अच्छे करने हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि किसी के साथ अच्छे रहने की आपकी आदत आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई समय से आपके जीवनकाल में ऐसे हुए हैं जिन लोगों को आप लगातार सहायता करते आ रहे हैं दोस्तों, वही लोग आपको ही गड्ढे में गिराना चाहता है। जिन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं वही लोग आपको धोखे देते हैं। तो दोस्तों क्यों आप फिर इस तरह के कार्य करेंगे? दोस्तों आपको बता दें कि अवश्य अपने जीवनकाल में आप एक इस प्रकार का नियम बना लें कि कभी भी कि जो भी चीज़ आपके जीवनकाल के लिए नुकसानदेह है, जिन पर आपको शक होता हो, दोस्तों ऐसे कार्य करने से बचें, ऐसे लोगों के साथ रहने से बचें। और अपने जीवनकाल में आगे बढ़ने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि आने वाले जो सप्ताह है आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कौन कौन सी कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगी। दोस्तों ऐसे में अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना का प्रारूप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति की आपको मदद करनी पड़ सकती है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको मानसिक और फिर आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना भी ऐसे में बन रही है। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत ऐसे में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मामा पक्षों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। ये जो समय है आपके लिए, आपका अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा और दोस्तों परंतु उसका कोई भी लाभदायक नतीजा आपके सामने यश में नहीं आएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आर्थिक स्थिति कुछ मंदी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें, यश में आप जो है महत्वपूर्ण संबंधी कोई भी सकारात्मक बात आपको इसमें पता भी चल सकती है, जिस बात के बारे में आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, उसी से संबंधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी। आपको बता दें कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लौटने की कोशिश कर सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपको कोई अच्छी खबर इसमें मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत आप महसूस करेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य भी इसमें बना रहेगा। दोस्तों कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इससे नई ऊर्जा की अनुभूति भी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, गुणात्मक और रचनात्मक संबंधी कार्य में आपका विशेष इसमें रुझान बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने विचारों में लचीलापन रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों इस बात के इसमें आपको अति ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम से संबंधित कोई नुकसान होने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों आवेश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, खासकर अपने कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों तथा काम की क्लैरिटी पर आपको विशेष नजर रखना चाहिए। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। यह समय आपको अपने ऑफिस के काम का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। शायदार संबंधी बिजनेस में इसमें मुनाफा होगा। अपने सहयोगों के निर्णय में विशेष महत्व दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, जो कि आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने की वजह से नौकरी संबंधी जिम्मेदारियाँ आपका इसमें और अधिक बढ़ने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि साझेदार संबंधी कार्य यश में मुनाफे में रहेंगे तथा पार्टनर के साथ आपसी सहयोग और सलाह व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करने वाले हैं। नए अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में प्राप्त हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों प्रेम संबंधों में नजदीकियां आने वाली है। पति पत्नी के संबंध में ईगो को लेकर नोक झोंक रह सकती है। आपको बता दें कि अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अपने वाणी प्रश्न में रखना है और कोई भी कार्य को करने से पहले अपने जीवन साथी का सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के किसी बात को लेकर नोक झोंक तो रहेंगी, किसी भी बात विवाद में शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और आप इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा भी पाएंगे। तो दोस्तों जो है गुस्से के बजाय इसमें शांतिपूर्ण तरीका का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।
और साथ ही दोस्तों परिवार व फिर नजदीकी मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से संबंध में और अधिक मजबूती आएगी, तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही इनसे पारिवारिक वातावरण और भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सर्दी से अपना बचाव रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप साधनों को रोकेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कभी कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसूस होगी, परंतु जल्दी ही आप ऐसी स्थिति भी उभर जाएंगे। तो दोस्तों यश में आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।